हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का जो वीडियो वो काफी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो कॉमोन 90 प्रो 5G फोन के बारे में। वैसे हमने कॉमोन 90 प्रो में भी आपको काफी सारी जो वीडियो है वो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। एक रिव्यू करने जा रहे हैं इसमें आपको कौन कौन से फीचर और इसका जो प्राइस है ना वो आपको अमेजोन पे कितना देखने को मिलता है उसी बारे में हम बात करने वाले थे। इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा होगा, वहां से जाकर आप मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर सकते हो। बस एक ही तो आपको सब्सक्राइब करना है, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन जो है ना वो दबा देना। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने हेडफोन्स का लिंक दिया जिन्हें मैं ऑनलाइन सेल करता हूं। अगर आप मेरे ब्लूटूथ हेडफोन परचेस करना चाहते हो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाकर परचेस भी कर सकते हो। और मेरी अपनी वेबसाइट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप जो काफी सारे जो प्रोडक्ट है ना उन्हें भी परचेस कर सकते हो, उन पे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलने वाला। ऐसे अगर आप भी अपने घर पे राशन का सामान मंगाना चाहते हो वो भी सस्ते में, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एना सिटी मॉल का लिंक दे रखा है। अगर आप मेरे लिंक से जाके कुछ भी चीज परचेस करते हो तो उस पे आपको काफी अच्छा ऑफर देखने को मिलने वाला, तो फटाफट जाओ अपने घर पे राशन का सामान मंगाओ वो भी सस्ते में। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फोन की फीचर्स की बात करने से पहले मैं इसके बाहर के साइड में बता देता हूँ बाहर आपको क्या क्या चीज देखने को मिलती है। बाहर आपको काफी बड़े साइज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टेक्नो कॉमोन 90 प्रो 5G लिखा हुआ देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ में कैमरा भी आपको देखने को मिलने वाला है। राइट साइड की बात करूँ तो इसके राइट साइड में आपको है ना पावर ऑन ऑफ बटन और विद फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम अप डाउन बटन आपको ये सारे देखने को मिल जा रहे हैं। इसी में आपको ना फिंगरप्रिंट सेंसर और ऑन ऑफ बटन आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी इसके बैक साइड की बात करूँ तो इसके बैक का डिजाइन जो है ना वो काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा साइड देखने को मिलते हैं, जो जोन से कि इसमें कॉमोन 90 प्रो आया था उसमें भी आपको ऐसे ही देखने को मिल रहे थे, इसमें भी आपको प्रो 5G में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलने वाला है। इसमें आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलती है और इसमें आपको एक चीज और देखने को मिलती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है सिम ट्रे जिसमें आप अपनी दोनों सिम और एक एसडी कार्ड चला सकते हो। एसडी कार्ड कितने जीबी तक का चला सकते हो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। वैसे तो इसमें आपको काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं टेक्नो कॉमोन 90 प्रो 5G में। अमेजिंग लाइट पोर्ट्रेट आप कैमरा आपको देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का, उसमें आपको RGB WP GPB लेंस आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल लेजेंड आपको बेजल देखने को मिल जाते हैं, बेजल कितने mm आपको देखने को मिलता है उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिजाइन अवार्ड इसमें आपको 2022 का आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे तो इसमें आपको काफी सारे जो छोटे छोटे फीचर है ना वो देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे के बारे में। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है जो कि RGB WP GP लेंस के साथ में आपको देखने को मिलता है, जिसकी क्वालिटी की अब तो बारे में तो अंदाजा ही नहीं है इसकी जो क्वालिटी है ना वो कितनी अमेजिंग होने वाली है RGB WP GP लेंस के मारे। मैंने आपको बताया इसमें आपको RGB WP GP लेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है नेक्स्ट जनरेशन नाइट शॉट पे आपको देने वाली। ऐसा नहीं है कि इतने सारे आपको कैमरे देने के बाद भी ये जो क्वालिटी है ना काफी अमेजिंग आपकी देने वाला। ऐसा नहीं है कि ये जो क्वालिटी है ना वो लो क्वालिटी में आपको फोटो देखने को मिलने वाला। अगर आप एक फोटोग्राफर हो, अगर आप प्रोफेशनल वाली फोटो शूटिंग करना चाहते हो तो इससे आप कर सकते हैं। इसमें आपको फोटो शूटिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, ऐसे नहीं प्रोफेशनल शूटिंग मोड में आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफी अमेजिंग आने वाली है। इसमें आपको स्टेबलाइजेशन OIS भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये फोटो जो देख सकते हो जो दोनों का लिया गया फोटो, अगर आप विदाउट OIS में लिया गया और विद OIS के साथ में आपको कैसा फोटो देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आपको इस फोन में भी जो है ना वो देखने को मिल जाता है। फोन में आपको एक फीचर और देखने को मिलता है क्लिक टू पेंट द स्काई आपको देखने को मिलता है सिर्फ के कैमरे की मदद से, या ना आप जो अपने बैकग्राउंड में है ना जो कुछ भी चीज लगा सकते हैं। अगर आप गैलेक्सी लगाना चाहते हो तो गैलेक्सी भी लगा सकते हो। इसमें आपको नीचे देखने को मिलने वाली सनी रेमबो सनसेट ट्विन लाइट आपको गैलेक्सी वगैरह ये सब चीजें जो है ना अपने बैकग्राउंड में फोटो के लगा सकते हो। इसमें आपको कस्टमाइज फिल्टर भी देखने को मिल जाते हैं फोटो के साथ में। ये जो फोन है ना वो इनक्रेडिबल 5G कनेक्टिविटी के साथ में आपको देखने को मिलता है, तो इसमें आपको सपोर्टेड 12 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से वो तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है तो आगे और बड़ा हो जाएगा मैं बता दूंगा। तो इसमें आपको 5G बैंड 12 देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते इसके माइंड यानी प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको है ना MediaTek का Dimensity 810 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक 6nm प्रोसेसर। अब इसकी क्वालिटी के बारे में बात करूं तो इसकी जो क्वालिटी है ना गेमिंग में काफी अच्छी होने वाली है। फिलहाल तो मेरे पास ये फोन नहीं है, अगर होता तो मैं इसका एक डिटेल रिव्यू करके आपको देता अनबॉक्सिंग के साथ में। तो इसमें आपको है ना Dimensity 810 प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो इस हिसाब से आप जज कर सकते हैं इस फोन में आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो काफी अमेजिंग होने वाली है। अब आपको ये जो प्रोसेसर है ना
वो ज्यादा लोड लेके खराब नहीं होने वाला, वो इजीली आपके जो 1080p रेजोल्यूशन की गेम की जो है ना वो आराम से चलाने वाला है। इसमें आप PUBG बैटल ग्राउंड जैसे गेम आराम से खेल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बात कर लेते हैं इसकी 13GB रैम के बारे में, तो इसमें आपको 13GB रैम कैसे देखने को मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको सिर्फ 8GB और 128GB के साथ में आपको सिर्फ 1GB रैम देखने को मिलने वाला है। तो 8GB में है ना आप 5GB रैम जो है ना वो वाउचर कर सकते हो, जिसके बाद आपका ये जो फोन है ना वो 13GB 128GB के साथ में हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे इन्फॉर्मेशन में आपको लगा दूं तो वो आप देख सकते हो क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है रैम में। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको सिर्फ 1GB रैम देखने को मिलता है 8GB 128GB के साथ में। तो इसमें आपका अल्ट्रा फास्टेस्ट स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें आपको 2.2 रैम देखने को मिल जाती है। अब इसमें आपको डेडिकेटेड स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें आपको 512GB तक का मेमोरी स्लॉट देखने को मिल जाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी इसमें आपको एसडी कार्ड जो है ना कितने जीबी तक का लगा सकते हो, इसमें आप जो है ना 512GB तक का लगा सकते हो अपना डेटा सेव करने के लिए एसडी कार्ड में। अगर आप करना चाहते हो तो 512GB आप लगा सकते हो, वैसे तो आपके लिए 128GB बहुत है आपकी जो काफी भरने वाली नहीं है मुझे इतना मालूम है। अब इस फोन में आपको है ना 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो टच सैंपल रेट की बात करूँ तो इसमें आपको 240Hz का टच सैंपल रेट देखने को मिल जाता है। अगर आप इसमें गेमिंग यूज करें तो गेमिंग में तो काफी अच्छे परफॉर्म करने वाला है ये टेक्नो कमोन 90 प्रो 5G। इसमें तो आपको इस फोन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आराम से आप इसमें हाई रेजोल्यूशन पे गेम खेल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना ही डिस्प्ले पे ना ही प्रोसेसर के साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको डिजाइन अवार्ड आपको देखने को मिलता है 2022 का, जहाँ पे आप देख सकते हैं की वजह से इसमें आपको है ना 2022 का अवार्ड देखने को मिलने वाला है। टेक्नो कमोन 90 प्रो 5G में आपको अवार्ड देखने को मिलता है 2022 का। अब बात कर लेते हैं इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो इसमें सिर्फ आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक इको ब्लैक कलर के नाम से आपको देखने को मिल जाता है, एक आपको कार्डर ग्रीन के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। सिर्फ यही आपको दो कलर ऑनलाइन मार्केट में देखने को मिलने वाले, और कोई कलर आपको इसमें फोन में नहीं दिया जाता है, सिर्फ दो ही कलर आपको ऑनलाइन मार्केट में देखने को मिलने वाले। अब बात कर लेते हैं इस फोन के स्लिप मैस्ट बेजल के बारे में, तो इसमें आपको 0.98mm का आपको ओनली बेजल देखने को मिलता है। अब बात करें इसके स्क्रीन बॉडी रेशियो के बारे में, तो इसमें आपको 94:26 आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के देखने को मिलने वाला। अब इसके स्क्रीन साइज की बात करूँ तो आपको 6.8 इंचेस का आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि एक एमोलेड डिस्प्ले है। अब इसमें आप जो क्वालिटी की जो आपकी बात नहीं है, इसमें आप जो क्वालिटी है ना 1080p से भी ऊपर आप चला सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो जी आप देख सकते हैं ये वाला फोटो जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट का अल्ट्रा स्मूथ आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला। ऐसे नहीं कि इसमें आपको 120Hz दिया तो ये जो फोन है ना वो थोड़ा सा लैग चलने वाला, ये पूरा जो फोन है ना वो काफी अमेजिंग चलने वाला। इसकी जो स्पीड है ना वो काफी फास्ट होने वाली है इस फोन के साथ में। और इस फोन में आपको टीवी सर्टिफिकेट भी देखने को मिलता है, DCI-P3 सपोर्टेड हाई आर गेम लो ब्लू लाइट के साथ में आपको देखने को मिलता है। अब ये किस तरीके से काम करता है वो तो मुझे नहीं पता, वो सिर्फ आपको फोन के अंदर जाने को पता चलेगी कैसे काम करता। अगर आप मेरे पास ये वाला फोन होता तो मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बना। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और चार्जर के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके चार्जर के बारे में। इसमें आपको है ना 33W का फ्लैश चार्जर आपको देखने को मिलता है, जो कि 50% बैटरी है ना वो 36 मिनट में आपको जो चार्ज करके आपको देने वाला। बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है लाइव आउट लार्जेस्ट के साथ में। इसकी स्टेबिलिटी टाइम की बात करूं तो इसमें आपको 27 डेज का आपको स्टेबिलिटी टाइम देखने को मिलने वाला। गेमिंग की बात करूं तो गेमिंग में तो आपको 15 घंटे आराम से बैकअप आपको देने वाला ये 5000mAh की बैटरी। इस फोन में आपको नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास जो अगला बंदा है जो आपके डेटा मांग रहा है तो उसे आप है ना इसकी मदद से आप अपना डेटा जो है ना वो उसी को भेज सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने में होगी, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वगैरह ऐप वगैरह या पेमेंट वगैरह जो अपने फोन से है ना किसी के फोन में भी डाल सकते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इस फोन के साउंड के स्पीकर के बारे में, तो इसमें आपको ना DTS साउंड स्पीकर देखने को मिलते हैं, जो कि मल्टीमीडिया लाउडेस्ट साउंड के साथ में आपको देखने को मिलता है। इसका जो साउंड है ना काफी तगड़ा आपको देखने को मिलने वाला है, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सपोर्टेड आपको देखने को मिल रहा है, कोर ऑडियो एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलने वाला है ये ऑडियो स्पीकर। बात कर लेते हैं इस फोन के ईओएस के बारे में, तो इसमें आपको 8.6 देखने को मिल जाता है। बेस्ड ऑन एंड्रॉइड की बात करूं तो इसमें आपको 12 देखने को मिलने वाला। अब इसमें आपको 12 इसलिए देखने को मिल रहा है, जब भी अगर आप इसे परचेस करोगे तो उस हिसाब से इसमें आपको 12 ही देखने को मिलने वाला। परचेस करने के बाद अगर आपका अपडेट आगे तो उस हिसाब से में जो चेंज कर सकते हो, बाकी परचेज करने के टाइम पे आपको 12 ही देखने को मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज देखने को मिलने वाली, तो सबसे पहले ऊपर की साइड में आपको स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला, पावर अडेप्टर आपको देखने को मिलने वाला, टाइप सी यूएसबी केबल आपको देखने को मिलने वाली, एक TPU कवर भी आपको इसमें देखने को मिलने वाला सिम इजेक्टर टूल के साथ में। अब बात करें इसके वेट के बारे में, तो इसका जो वेट है ना वो 205 ग्राम के आसपास देखने को मिलने वाला। तो मान के चलो ये जो 205 ग्राम का फोन है, तो अगर आप इस फोन को हाथ में लोगे तो आपको ये जो फील है ना वो एकदम प्रीमियम देने वाला। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, तो ये जो फोन है ना वो पूरी आपको OnePlus जैसी फील आपको देने वाला। अब बात
कर लेते इसके फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का HDR सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी फोटो जो आपको देने वाला है। अल्ट्रा HD की मैं आपको जो फोटो है ना वो सेल्फी मोड में देने वाला है। इसमें आप है ना कस्टमाइज्ड फिल्टर भी लगा सकते हो, अगर आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो बैकग्राउंड में भी लगा सकते हो, गैलेक्सी वगैरह सनसेट वगैरह आप जो अपने बैकग्राउंड में वो भी इस फोन से आप जो है ना अपनी सेल्फी में लगा सकते हो। कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको सिर्फ दो ही कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, दोनों का जो प्राइस है ना वो आपको लगभग सेम ही देखने को मिल जाता है। अब इसका जो ब्लैक वाला या ग्रीन वाला दोनों के प्राइस जो है ना वो आपको सेम ही देखने को मिलने वाला है। प्राइस की बात करूं तो इसमें आपको जो प्राइस है ना वो 21,999 रुपए देखने को मिलने वाला, मान के चलो ये जो फोन है ना वो 22,000 में आपको देखने को मिलने वाला। अगर आप जो इस फोन को EMI पे लेना चाहते हो तो इसकी जो EMI है ना वो आपको 1100 रुपए के आसपास देखने को मिलती है मंथली, अगर आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला फोन जो है ना वो परचेस करना है तो आपको 1100 रुपए जो है ना मंथली पे करना पड़ेगा। इस पर डील्स पर डिस्काउंट की बात करूं तो इस पर आपको है ना 12% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो जल्दी से उसका जो बाय लिंक है ना वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप मेरी वेबसाइट पे से जाकर परचेस करोगे तो इस पर आपको काफी अच्छा ऑफर देखने को मिलने वाला है इस फोन के साथ में, टेक्नो कमोड 90 प्रो के साथ में। तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक देखने को मिल जाएंगे, वहां से जाकर ये वाला फोन जो है ना वो परचेस कर सकते हो। अगर आप फीचर भी देखना चाहते हो तो इसके फीचर मेरी आपको वेबसाइट पर सारे देखने को मिल जाएंगे, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इस फोन को जो चेकआउट भी कर सकते हो। ये तो इसके सारे फीचर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर से कर देना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन जरूर से कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल रहा है, उससे जाकर जल्दी से दबा दो, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने हेडफोन्स का लिंक दिया जिन्हें मैं ऑनलाइन सेल करता हूं, अगर आप परचेस करना चाहते हो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरा जो वेबसाइट का लिंक है ना वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, से जाके आप इस फोन को या किसी भी चीज को जो है ना परचेस कर सकते हो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी ने फोन फीचर नहीं अनबॉक्सिंग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट गुड लक स्टे सेफ, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो उसमें।